नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज़ पर। ब्रिटेन से कई देशों में फैले कोविड 19 के नए स्ट्रेन ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। अब तक 4 लोगों को नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि फ्लाइट्स बैन, ऐसे में और यात्री अब नहीं आ रहे हैं। जैन के मुताबिक जो आ चुके हैं, दिल्ली सरकार उनकी ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग कर रही है। देश भर में नए स्ट्रेन के अब तक कुल 28 मामले सामने आए। सभी 25 लोग हेल्थ फैसिलिटीज में फिजिकल आइसोलेशन में हैं। नए स्ट्रेन की जांच में मिले संक्रमित मरीजों को दिल्ली सरकार ने LNGP अस्पताल में आइसोलेशन में रखा है। दिल्ली हवाई अड्डे स्थित होटल में क्वारंटाइन के तहत 80 से अधिक लोगों को रखा गया। ये लोग इस क्वारंटाइन सुविधा का सरकारी नियमों के तहत भुगतान कर रहे हैं। वहीं छतरपुर से संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में 100 से अधिक लोग हैं। हालांकि ये संख्या हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। होटल का एक हिस्सा पूरी तरह क्वारंटाइन हुए लोगों के लिए कर दिया। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। होटल स्टाफ को पूरी तरह मास्क और हाथों में ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। होटल के बाहर दिल्ली पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 670 नए मामले सामने आए और अभी तक दिल्ली में 6,24,795 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6,08,000 से अधिक ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 10,000 से ऊपर की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी भी 5,838 एक्टिव कोरोना रोगी हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर निलंबन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो परिचालन और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अप्रूवल फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं, जिसके तहत उड़ानों का परिचालन हो रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में यात्रा करने की अनुमति देती है। नए स्ट्रेन को लेकर बताया जा रहा है कि ये 70% अधिक तेजी से फैलता है और कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे पहले ब्रिटेन में कुछ दिन पहले ही मिला था। ब्रिटेन के अलावा वायरस का नया स्वरूप डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में भी पाया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।